जब माइक्रोसॉफ्ट ने इस रिबन को डिजाइन किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने सारे ऑप्शंस लॉजिकली डिफाइन किया, यानी जिस तरह से हमारा ब्रेन सोचता है उस तरह से ऑप्शंस के लिए डाल दिए गए। लाइक व्हेन एवर आई से पिक्चर, चार्ट, पिवट टेबल, जब ये सारी चीजें मैं कहता हूं तो मेरा ब्रेन कहता है कि कह दो कि इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, चार्ट इंसर्ट करना है, पिवट इंसर्ट करना है। तो वो सारे ऑप्शन जिसमें हमारा ब्रेन हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि इंसर्ट करना है, वो सारे ऑप्शन इंसर्ट पर डाल दिए, राइट, आसान कर दी जिंदगी हमारी। देन अगर आप पेज लेआउट की बात करें तो पेज लेआउट में सारी पेज से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो सारे पेज लेआउट में डाल दिए गए, फॉर्मूलाज सारे फॉर्मूलाज में डाल दिए गए। बाय द वे कितने फॉर्मूलाज, कितने फंक्शन होने चाहिए एक्सेल के अंदर, लाइक सम इज अ फंक्शन, वीलुकअप इज अ फंक्शन, तो व्हाट डू यू थिंक कितने फंक्शन एक्सेल में होंगे, डिपेंडिंग ऑन द वर्जन, वर्जन भी डिपेंड करता है, लेकिन आपका ब्रेन क्या कहता है कितने फंक्शन होने चाहिए, 200, 400, 500, 1000, 5000, अनलिमिटेड नहीं है, राइट? तो कोई भी एक नंबर आप बता सकते हैं। सो डिपेंड करता है वर्जन कौन सा आपके पास अवेलेबल। तो हाउ टू सी द वर्जन, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपना अपना वर्जन कैसे देख सकते हैं, लेकिन बिफोर वर्जन देखिए हम इसका आंसर भी मैं कर दूं ताकि इस बात को हम क्लोज कर दें। सो इफ यू आर यूजिंग 2016 तो यू हैव 381 फंक्शंस, एंड इफ यू आर यूजिंग 365 जो कि इस वक्त सबसे लेटेस्ट वर्जन है तो यू हैव 400 प्लस फंक्शंस। तो लेट्स सी के वर्जन कैसे देखा जाता है। सो हम फाइल पे क्लिक करते हैं और यहां पर अकाउंट्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अकाउंट के ऑप्शन में ये देखें राइट साइड पे मेरे पास जो है 365 है। तो आपके पास क्या वर्जन है सर? सो डेटा के अंदर हमारे पास डेटा से रिलेटेड चीजें होती हैं और रिव्यू में रिव्यू से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं हमारे पास, और व्यू में ऑफकोर्स जो आपके स्क्रीन पे व्यू नजर आ रहे हैं उससे रिलेटेड ऑप्शन आपके पास होते हैं। देन आपके पास डेवलपर टाइप होते तो सबके पास नजर नहीं आ रहा होता, हेल्प आप सबके पास आ रही होगी और पावर प्रिवर्ट भी आप सबके पास नहीं आ रहा होता, ठीक है, दीज आर द एडवांस ऑप्शन। तो हमारे इस सेशन के अंदर डेवलपर टाइप तो हम कर रहे होंगे लेकिन पावर प्रिवर्ट हमारे इस सेशन के अंदर नहीं है, राइट? तो ये तो हो गया हमारे रिबन का एक इंट्रोडक्शन छोटा सा। सो ये जो फाइल है अगेन जिस तरह से बताया कि इसमें हम जो है टिप्स एंड ट्रिक्स की बातें कर रहे होंगे, तो यहां से हम प्रैक्टिकली भी सारी चीजें करते जा रहे होंगे। तो अगर मुझे नेक्स्ट शीट पे मूव होना है, तो एक तरीका तो ये है कि हम यहां से क्लिक कर सकते हैं, इससे हम आगे जा सकते हैं, ठीक है, ये हमें चीजें आती हैं और क्लिक करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, राइट? अगर मुझे कीबोर्ड शॉर्टकट से जाना है, कंट्रोल पेज डाउन, अगर पेज डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट शीट पे जाएगा, अगर पेज अप करेंगे तो प्रीवियस शीट पे जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल पेज डाउन प्रेस किया था कि नेक्स्ट शीट पे जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं पेज अप करता हूँ तो प्रीवियस शीट पे जा रहा हूँ। तो प्लीज अपनी शीट पे जाएं, अपनी फाइल पे जाएं और उसको प्लीज प्रैक्टिस करके देखें कि वाकई प्रैक्टिकली ये हो रहा है नहीं हो रहा। टास्क मैं आपको कहता जाता हूँ, आप करते जाएं और लेट मी नो आप डन रहे। यूज एफ एन अप एरो ऑन मैक, दैट्स ग्रेट, थैंक यू, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हमारे पास देखें, हमने नेक्स्ट शीट पे जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन किया और दोबारा पीछे आने के लिए कंट्रोल पेज अप किया, राइट? इसी तरह से सपोज करें कि मेरे पास एक शीट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी शीट्स हैं, तो मेरे पास एक शीट है जो कि आगे जाके, काफी आगे जाके है हाइपरलिंक के नाम से, और मुझे डायरेक्टली वहां पहुंचना है। एक तरीका तो ये है कि मैं पेज डाउन करता रहूं और आगे जाता रहूं और मुझे पता चलेगा, पता नहीं कब आएगी वो, नाम पढ़ता रहूंगा मैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं ये जो नेविगेशन बटन है इसमें देखें दो बटन है, एक राइट वाला है एक लेफ्ट वाला है। जब आप कंट्रोल क्लिक करते हैं, इस पे कंट्रोल को होल्ड करके क्लिक करेंगे तो क्या करता है, लास्ट शीट के नेम पे आपको ले जाता है और देन आप थोड़ा सा पीछे आके अपनी हाइपरलिंक की जो शीट है उस पर क्लिक कर सकते हैं। और आपको पहली शीट पे जाना है तो अगेन आपने पहली शीट पे चले गए कंट्रोल क्लिक और दोबारा से आपने इस पर क्लिक कर दिया, राइट? प्लीज ट्राई करें एंड कम बैक टू मी। सो अभी भी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है मुझे हाइपरलिंक पे पहुंचने पे, एक और तरीका बता रहा हूँ, प्लीज कम बैक टू माय स्क्रीन। सो इस नेविगेशन बटन पे अपना माउस हम ले जाते हैं और राइट क्लिक करते हैं। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास सारी शीट के नेम आ गए, और जैसे मैंने एच प्रेस किया तो हाइपरलिंक आ गया और एंड प्रेस करते ही मैं हाइपरलिंक पे पहुंच गया बहुत ही फास्ट तरीके से। मैं दोबारा राइट क्लिक करता हूँ, इंट्रोडक्शन पे जाने के लिए मैं आई प्रेस करता हूँ तो एंटर कर देता हूँ। ट्राई करें प्लीज अपनी स्क्रीन पे एंड कम बैक टू मी, राइट? जिनके पास 2013 है वो क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा मोर शीट का नाम, मोर शीट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये सारी शीट के नेम लिख जाएंगे
and then you can press H and move to hyperlink with enter. So हमारे पास Excel के अंदर A कॉलम A से लेकर XFD तक कॉलम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉलम्स हैं एंड ये टोटल मिलके तकरीबन 16,384 कॉलम्स बन गए जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज पर्पस. और हमारी एक फाइल के अंदर, एक शीट के अंदर वी हैव ओवर अ मिलियन रॉ अवेलेबल, यानी 10 लाख से ऊपर रॉज आपके पास होती है अवेलेबल. दिस इज द एग्जैक्ट फिगर जो कि यहाँ नजर आ रहा है आपके पास. तो कितना बड़ा हमारे पास जो है वो एरिया अवेलेबल है जिसके थ्रू आप बेसिकली काम कर सकते हो. मुझे बताएं अब तक आपने जो है कितने कॉलम्स और कितनी रॉज पर काम किया होगा मैक्सिमम. कितना बड़ा डेटा आपके पास होता है रॉ वाइज और कॉलम वाइज, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो एनी आइडिया वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी होगी, ह्यूमन पॉपुलेशन, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज पर्पस? वी आर समवेयर बिटवीन 7.5 टू 8 बिलियन और 8.23 जितना भी आप सो कहना चाहो, वी आर नियर अबाउट दस. सो ये सवाल पूछने का मकसद क्या है, ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि हमारे पास एक्सेल की एक शीट के अंदर, इन एक्सेल वन शीट जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वी हैव मोर देन 17 बिलियन सेल्स अवेलेबल. 17 बिलियन सेल्स, दिस इज एग्जैक्ट फिगर जो आपको यहाँ नजर आ रहा है जो कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया नजर आ गया. सो हमारी दुनिया की आबादी से डबल से भी ज्यादा हमारे पास जो है वो सेल्स अवेलेबल होते हैं जो कि एक्सेल की एक शीट के अंदर होते हैं. अभी हम एक शीट की बात करें, देखिए इस तरह से मेरे पास कितनी सारी शीट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, राइट? सो अब अंदाजा लगाएं कि कितनी शीट्स हम इंसर्ट कर सकते होंगे एक्सेल के अंदर. बिफोर यू आंसर लेट मी टेल यू कि मैंने 1200 प्लस शीट इंसर्ट की हैं एक्सेल के अंदर, उस पर मैंने काम किया है. तो अब अंदाजा लगाएं कि कितनी शीट इंसर्ट कर सकते होंगे. हर शीट के अंदर वी हैव 17 बिलियन सेल्स, मोर देन 17 बिलियन सेल्स. सो व्हाट डू यू थिंक? तो 1200 से ऊपर ही नंबर होना चाहिए आपका. तो जब मैं 1200 प्लस शीट पे काम कर रहा था तो एक्सेल वाज वेरी नॉर्मल, बहुत ज्यादा लोडेड भी नहीं था, इट वाज ओके, सही सही चल रहा था बिल्कुल. तो इसका मतलब हमारे पास बहुत बड़ी कैपेसिटी मौजूद है. यस यस एवरीवन, हाउ? सो लेट मी टेल यू, लेट मी रिवील द सीक्रेट. सो द लिमिटेशन इन एक्सेल इज 64,000 वर्कशीट्स. ये लिमिटेशन है हमारी, ठीक है? एक्सेल की एक फाइल के अंदर यू कैन इंसर्ट 64,000 वर्कशीट अगर आपके पास 2016 ऑनवर्ड्स वर्जन है, राइट? बहुत बड़ी कैपेसिटी है हमारे पास. लेकिन अभी आप में से कुछ लोग सोच जरूर रहे होंगे कि हम तो कुछ ही फाइल्स, कुछ ही शीट्स एक्सेल पर डालते हैं और बेचारा परेशान हो जाता है वो, तो ठीक है, स्लो हो जाता है, ऐसा रिएक्ट करता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, फाइल्स क्रैश हो जाती हैं, खुलने में 10 मिनट लगती हैं, सेव होने में 10 मिनट लगती हैं, बंद होने में 10 मिनट लगता है, इस तरह की भी कुछ फाइल्स आपके पास होंगी, राइट? ये जो 10 मिनट वाली फाइल्स होती है ना, 10 मिनट खुलने में लेती है, 10 मिनट हमारे पास सेव करने में लेती है, और फिर बहुत ही जबरदस्त एक और काम इसमें ये होता है कि मैंने फॉर्मेटिंग करी, जब मैंने फाइल सेव करके बंद करी और दोबारा ओपन करता हूँ तो वो फॉर्मेटिंग भी गायब हो जाती है. इस तरह की भी अमेजिंग फाइल्स होती है हमारे पास. सो इतना लकी कौन है आप में से, बताइए यस करके कि हाँ ये मैं वो लकी हूँ कि जिसके साथ ये होता है. यू आर द लकी वन, कांग्रेचुलेशन. तो अब हम इसकी तकलीफ दूर करते हैं, आपकी वाली तकलीफ. अब देखिए ये जो फाइल्स आपके पास हैं, आई एम श्योर कि ये फाइल आपने खुद नहीं बनाई, ये आपको वर्से में मिलती है. तो आपसे पहले जो बंदा था उसने आपको दी, उससे पहले जो बंदा था उसको उसने दी है. तो आप मोस्टली आपने ये फाइल्स नहीं बनाई है, ये रिपोर्टिंग फाइल एक चल रही है हमारी, और वो फाइल जो है किसी ने बनाई थी पहले, वो तो चला गया, उसके बाद किसी और आया, किसी और आया, कोई और आया, और अब आप काम कर रहे हैं. तो पता नहीं कितने साल पुरानी फाइल है ये, और उसको हम चेंज इससे नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ऐसी फाइल है जिसपे मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग होती है, मैनेजमेंट उससे कंफर्टेबल है और हम उससे परेशान, राइट? तो उसका एक तरीका ट्राई करके देखिएगा, आप पहले तो उसकी कॉपी बना लीजिएगा ताकि वो डैमेज ना हो, और फिर आपको जो है वो फाइल एक्सपोर्ट फाइल टाइप इस फॉर्मेट पर सेव कीजिएगा. अभी आपकी ये इस फॉर्मेट पर सेव हुई भी होगी पुराने फॉर्मेट में, उसको आप नए फॉर्मेट पर कन्वर्ट करेंगे
अगर आपकी फाइल जो है वो 70, 80, 90 MB की हो चुकी है तो वो फॉरन से जो है वो 6, 7 या 8 MB की रह जाएगी, तो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। और ये जो इसमें स्पीड के ऑप्शंस हैं वो भी सही हो जाएंगे। देन आपके पास ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं ऑलमोस्ट, वो भी सीख हो जाएंगे। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें अगर वो लगा हुआ है, वो वाले ऑप्शंस लगे हुए हैं, तो फिर वो सही नहीं हो पाएगा। वो है अगर नेटवर्क से वीलुकअप लगाया हुआ है, नेटवर्क फाइल से कुछ वीलुकअप लगे हुए हैं या मैक्रोज लगे हुए हैं, तो फिर वो ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर ये सही हो जाता है इससे तो हो जाएगा। और मोस्ट प्रॉबली इस तरह की चीज बैंक के अंदर ही होती है। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट शीट। अब हम आ जाते हैं रोमिंग ऑटोसम एंड शॉर्टकट की शीट पे, और मैंने क्लिक कर दिया A5। राइट, सो मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा, जितने भी सालों से आप एक्स पे काम कर रहे हैं, मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा कि अगर मैंने A5 पे क्लिक किया हुआ है, जहां पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखा हुआ है, अगर मैं Ctrl+A करता हूं तो क्या होगा? पूरी शीट सेलेक्ट कर लेगा ना ये? यस और नो? ओके, लेट्स ट्राई। तो हम कहते हैं पूरी शीट सेलेक्ट कर लेगा। लेट्स ट्राई, आपके एक्सपीरियंस को हम चैलेंज करते हैं। राइट, Ctrl+A। उप्स, नहीं किया ऐसे, तो नहीं कर रहा है। अगर मैं Ctrl+A एक बार और करता हूं, देन इट विल सेलेक्ट द होल फाइल। अगर मैं इस डेटा पे मौजूद हूं और Ctrl+A करता हूं, तो ये सिर्फ इसको सेलेक्ट करेगा। अगर मैं यहां क्लिक करता हूं, तो ये इसको सेलेक्ट करेगा। अगर मैं दोनों के बीच में क्लिक करता हूं, तो ये इसको सेलेक्ट करेगा। राइट, व्हाई दिस इज हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ फीचर। फीचर इज कॉल्ड रीजन। एक रीजन का फीचर है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये एक डेटा सेट की बात हो रही है। ये आपका एक डेटा सेट है, इसका मतलब ये आपका एक रीजन है, ये आपका एक अलग रीजन है। अगर आप किसी ऐसे एरिया पर हैं जहां पर कोई भी डेटा नहीं है, तो ये पूरी शीट को सिलेक्ट करेगा, बिकॉज दिस इज अनदर रीजन। राइट, और ये अभी नहीं हुआ मैजिक, जैसे मैंने सिखाया, ये अभी से नहीं हो रहा, ये हो रहा है पिछले 15 साल से ऐसे ही। जब एक्सेल 2007 आया था, उस वक्त ये फीचर इंट्रोड्यूस हुआ था। राइट, ये फीचर आपके पास बिल्ट इन है, एक्टिवेटेड है, उसको आप डिसेबल नहीं कर सकते। राइट, और इसका काम क्या होता है कि जिस डेटा के अंदर आप मौजूद हैं, जिस रीजन के अंदर आप मौजूद हैं, इस रीजन को ये प्रायोरिटी देता है। राइट है, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए आसानियां पैदा होती। राइट, अब फॉर इंस्टेंस मैं यहां पर इस हेडिंग को नीचे कट पेस्ट कर देता हूं। ये मैंने कर दिया कट पेस्ट नीचे। अब मुझे बताएं कि एक और सवाल बहुत सिंपल सा, अगर जब आपको सॉर्ट या फिल्टर करना होता है, तो उसमें लिए डेटा को सेलेक्ट करना जरूरी होता है ना? राइट, यस और नो? जब मैं सॉर्ट या फिल्टर लगाता हूं, तो डेटा को सेलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं डेटा को सेलेक्ट नहीं करूंगा तो एक्सेल क्या कहेगा? एक्सेल बोलता है आपने डेटा ही नहीं दिया, तो मैं किसको सेलेक्ट करूं, किसको सॉर्ट करूं, किसको फिल्टर करूं? ऐसे ही होता है ना? तो इसका मतलब है कि डेटा को सेलेक्ट करना जरूरी है। सो नहीं है जरूरी। राइट, डेटा को सेलेक्ट करना जरूरी नहीं है। जिस रीजन पे आप मौजूद हो, उस रीजन को ऑटोमेटिकली वो डिटरमाइन करेगा कि भाई आपका डेटा कहाँ तक जा रहा है। राइट, फिल्टर का शॉर्टकट क्या होता है? अगर मैं यहाँ फिल्टर लगाना चाहूँ, तो फिल्टर का शॉर्टकट होता है Ctrl Shift L। तो मैं यहां पर मौजूद हूं, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इस तरह से लगाता हूं, फॉर इंस्टेंस फिल्टर, तो इस तरह से लगता है, लेकिन मैं इस दफा इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा। फिल्टर कहाँ लगना चाहिए? पहली रॉ पे। तो मैं यहां पर क्लिक किया हुआ, मैंने कहीं पर भी क्लिक कर सकता हूं। राइट, Ctrl Shift L, देखिए फिल्टर खुद लग गया बगैर सेलेक्ट हुए। राइट, और दोबारा हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल, दोबारा हटा दिया। इसी तरह से अगर मैं सॉर्ट करता हूं, तो मैं डेटा पे चला गया, और जैसे ही मैंने सॉर्ट पे क्लिक किया, देखिए मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा उसको, जैसे मैं सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, देखिए खुद सिलेक्ट कर लिया से, मैंने नहीं कहा उसको सिलेक्ट करने का। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रीजन का फीचर आपके पास मौजूद है पिछले काफी सालों से करते हैं, लेकिन हम सेलेक्ट करे बगैर भी लगा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल इज द शॉर्टकट जो कि ऊपर लिखा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट एल फॉर
फिल्टर्स राइट। प्लीज अपनी शीट पर ट्राई करके देखें, कंट्रोल शिफ्ट एल को भी ट्राई करें अगर किसी को नहीं पता था, एंड प्लीज कम बैक टू मी। प्लीज कम बैक टू माई स्क्रीन। सो एक बहुत सिंपल सी टेक्निक हम करते हैं यहां पर। सो मैं ये चाह रहा हूं कि यहां पर राइट साइड पे और बॉटम पर आई वॉन्ट टू अप्लाई द सम फॉर्मूला ओवर हियर। सम एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर एक्सेल यूजर अपनी एक्सेल की जिंदगी में सबसे ज्यादा यूज करता है, आपने भी शायद किया होगा राइट। तो मुझे यहाँ पर सम लगाना है राइट साइड पे एंड बॉटम साइड पे। तो नॉर्मल तरीका जो हम सम लगाते हैं उसका क्या तरीका होता है, मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं ऑटो सम प्रेस कर रहा हूँ। होम के टैब में ऑटो सम का ऑप्शन है हमारे पास, उसको जैसे मैंने क्लिक किया तो उसने खुद रेंज आपकी सेलेक्ट कर ली और इससे फॉर्मूला लगा दिया, और जब हम एंटर करते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है राइट। और वी कैन इंसर्ट ऑल्ट इक्वल्स टू, नॉट ऑल्ट प्लस, ऑल्ट इक्वल्स टू, प्लस आता है शिफ्ट के साथ। सो ऑल्ट इक्वल्स टू इज अ शॉर्टकट फॉर ऑटो सम, ठीक है। ऑल्ट इक्वल्स टू इज अ शॉर्टकट फॉर ऑटो सम जो कि हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है आपकी शीट पे, यूजिंग ऑल्ट इक्वल्स टू फॉर ऑटो सम राइट। प्लीज ट्राई करें अपनी शीट पे ऑटो सम ट्राई करके देखें एंड कम बैक टू मी। तो मैं एक और जबरदस्त तरीका बताता हूं आपको यहाँ पर। ऑल्ट इक्वल्स टू फॉर ऑटो सम, तो आई होप सब मेरी स्क्रीन पे दोबारा आ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया और हमने इसको ड्रैग कर लिया, दैट वी नो ऑलरेडी राइट। इसी तरह से मैं यहाँ पर ऑल्टर इक्वल्स टू करता हूँ और यहाँ पर राइट पर ड्रैग करता हूँ। दिस इज द वे नॉर्मली हम जिस तरह से करते हैं राइट, और ये हम सबको आता है। अब एक और तरीका हम सीखते हैं जिससे और जिंदगी आसान हो जाएगी। तो मैं सबको अंडू कर रहा हूँ राइट, ब्लैंक हो गया। अब फॉर्मूला हमें इधर ही लगाना है राइट साइड पे एंड बॉटम पर। तो हम क्या करते हैं, इस दफा नंबर्स जो है हमारे, ये 419 वाला जो नंबर है, 149 वाला जो नंबर है, यहां से हम सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं, इंक्लूडिंग द सेल्स जहां पर मुझे फॉर्मूला लगाना है राइट साइड पे एंड बॉटम पर, एंड ऑल्ट इक्वल्स टू डन। एक ही गो के अंदर हमारे पास सब जगह पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया। प्लीज अप्लाई करें अपने पास, ट्राई करें एंड कम बैक टू मी। आप ऊपर से भी ऑटो सम दबा सकते हैं और शॉर्टकट भी कर सकते हैं। सो आपको कभी भी ऐसा फील होता है कि इस ऑप्शन में तो मजा आ गया, जबरदस्त, मेरी जिंदगी आसान हो गई, ये बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट था मेरे लिए, तो आप अपनी खुशी जो है चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सो क्योंकि हम ह्यूमंस हैं तो एक चीज जब हमारे पास नई हमें मिलती है तो हम चाहते हैं कि हम और ज्यादा फास्ट करें। तो मैं अब ये चाहता हूं, मैंने इसको अंडू कर दिया, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं जो है वो दो रीजन को एक साथ ट्राई करके देखूं इसी टेक्निक से। तो मैंने दोनों रीजन को सेलेक्ट किया जहां पर मुझे फॉर्मूलाज भी लगाने, और अब मैं लगा के देखता हूं ऑल्ट इक्वल्स टू, वाओ अप्लाई हो गया। लेकिन क्या ये सही हुआ है, यस और नो, सही है गलत है? गलत है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहां का तो फॉर्मूला आया ही नहीं है राइट। राइट साइड पर तो बिल्कुल ठीक है रॉज में, लेकिन जब आप कॉलम्स की बात करते हैं तो इन दोनों को इसने एक साथ ही ले लिया है, विच इज रॉन्ग ऑफ कोर्स। यहाँ पर इसका सम अलग होना चाहिए था, इक्विटी लाइब्रेरी का एसेट्स का अलग होना चाहिए था। इसका क्या तरीका होगा, इसका तरीका ये होगा कि पहले तो आप नॉर्मली इसको सेलेक्ट करते हैं जिस तरह से आप सेलेक्ट करें राइट, देन आप क्या करेंगे कंट्रोल सिलेक्शन से दूसरे को सेलेक्ट करते हैं। जब आप सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद जब आप ऑल्ट इक्वल्स टू करेंगे देन ये दोनों पे अलग अलग लगाएगा राइट। ट्राई करें प्लीज अपने पास, क्या ये अप्लाई हो रहा है इस तरह से। आई होप सबको कंट्रोल सिलेक्शन आती है और इजीली आप अप्लाई कर सकेंगे। रिपीट करवा रहा हूं। सो देखें, हमने पहला सिलेक्शन तो बिल्कुल सेम तरीके से किया जिस तरह से हम नॉर्मली कर रहे थे। दूसरी सिलेक्शन जो है, जब आप क्लिक करने जाते हैं आपको क्लिक नहीं करना है, आप पहले कंट्रोल को होल्ड करके रखें
और पहले ही क्लिक में आप सिलेक्शन स्टार्ट कर दें तो ये आपके पास दोनों सिलेक्शन हो गई एंड देन ऑल्ट इक्वल टू आपने दबा दिया या फिर ऊपर से ऑटो सब दबा दिया। ट्राई करें, प्लीज ट्राई एंड कम बैक, लेट मी नो इफ यू आर एबल टू डू इट। राइट, आई होप सब मेरी स्क्रीन पे दोबारा आ चुके हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शीट। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास सम, मैक्स, मिनिमम, काउंट, एवरेज हम ये काम करने वाले हैं, लेकिन इसमें एक टेक्निक के साथ करने वाले हैं। ऑफकोर्स कुछ लोगों को ये टेक्निक पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी। तो हमारे पास समटाइम ऐसा होता है कि हम जो है कुछ शीट्स को मेनटेन कर रहे होते हैं, जैसे मेरे पास ये एक शीट है जिसको मेनटेन कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आज 10 तारीख तक का डेटा हमारे पास मौजूद है, जब नेक्स्ट डेटा आता है तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर वो एड अप होता चला जाए। जैसे आज तक का डेटा है, मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है, ऑल्ट इक्वल्स मैंने दबाया दोबारा से ऑटो सम के लिए। अब जब नया डेटा आएगा तो नॉर्मली हम इस फॉर्मूला को नहीं छेड़ते, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्रॉज ऐड करते हैं राइट क्लिक करके, ताकि ये सब नीचे हो जाए और हम नया डेटा यहाँ पर ऐड कर सके। इसी तरह से नेक्स्ट डे जब और डेटा आएगा तो हम इसी तरह से दोबारा करेंगे, और इसी तरीके से नॉर्मली हम चल रहे होते हैं। हमारी जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं वो इस तरह से चलती हैं कि भाई हम सम को नहीं छेड़ें और उसमें ऐड करते हैं। ये एक बहुत लंबा काम है, बहुत टाइम टेकिंग करता है। तो हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि हम यहाँ पर फॉर्मूला डालें, हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं राइट साइड पर या किसी और शीट पर उसका। लेकिन एक मसला और रह जाएगा कि आज 48 रोज आए, कल 58 हो जाएंगी, 68 हो जाएंगी, तो क्या हर दफा मैं फॉर्मूला चेंज करूंगा? तो उसके लिए हम यहाँ पर एक टेक्निक सीख रहे हैं। सो हम क्या करते हैं, सम का फंक्शन इंसर्ट करते हैं, बजाय इसके कि मैं यहां से सिलेक्शन स्टार्ट करूं, क्योंकि जो ऐड करना है मुझे वो क्या करना है, ई कॉलम को ऐड करना है। ई कॉलम में जब भी कोई डेटा है तो उसको ऐड कर लेते हैं। तो बजाय इसके कि हम यहां से रोज को सिलेक्ट करना स्टार्ट करें, हम क्या करते हैं टोटल ई कॉलम को ही क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने ई कॉलम को क्लिक किया तो इसने क्या करा, नंबर ही हटा दिए और इसने पूरी 10 लाख रॉ सेलेक्ट कर ली। जब मैं एंटर करता हूं तो ये सम हो के आ गया, और इन फ्यूचर जब भी कोई डेटा ऐड हो रहा होगा वो ऑटोमेटिकली इसको सम में ले रहा होगा। इसी सेम टेक्निक से हम बाकी फंक्शंस को भी ऐड करेंगे। पहले आप इसको ट्राई करें एंड कम बैक टू मी, फिर बाकी मैं 4-5 फंक्शंस और करवाता हूं, फिर इसको ट्राई कीजिएगा और देन फिर हम आगे बढ़ेंगे एक साथ। So I hope सबने apply कर दिया and you are back on my screen. Let's move forward. So maximum, minimum and average में एक साथ करवा रहा हूँ आपको। So max के लिए आपके पास max का function है। max का function क्या करता है, आपके पास सबसे बड़ा number जो है वो हमेशा आपको निकाल के देता रहेगा। मैंने e column select किया, और in future अभी जो current होगा वो लेकर आएगा, और in future जैसे ही कोई नया बड़ा number आएगा तो वो उसको replace कर देगा। इसी तरह से minimum, सबसे छोटा number, again same way e column select कर लिया, तो सबसे छोटा नंबर आपको निकाल के देगा। एवरेज निकालना है आपको, तो हमने एवरेज लिखा और अगेन हम यहाँ पर ई कॉलम क्लिक करते हैं। तो पहले आप ये तीन फॉर्मूलाज प्लीज अप्लाई करें एंड कम बैक टू मी, एंड देन काउंट और काउंट ए हम एक साथ करें। प्लीज कम बैक टू माय स्क्रीन। सो हमारे पास काउंट और काउंट ए को हम देख रहे हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब मैं ई कॉलम को क्लिक करता था उसका सम आ गया, मैक्सिमम आ गया, मिनिमम आ गया, एवरेज आ गया। अब मुझे ये पता करना है कि एक्चुअल कितने सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स हैं जो कि न्यूमेरिक नंबर से फिल हुए हुए, राइट, कितने सेल्स हैं जिसमें नंबर्स लिखे, 1, 2, 3, इस तरह से काउंट करना है मुझे। तो हमारे पास काउंट का फंक्शन है और मैंने ई कॉलम लिया। काउंट का फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ उन नंबर्स को काउंट करेगा, उन सेल्स को काउंट करेगा जिसमें नंबर्स लिखे हुए, जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ उसको काउंट नहीं करता, जो एम्प्टी सेल्स है उनको काउंट नहीं करेगा। तो ये कह रहा है 45 सेल्स है। इसी तरह से जब आप काउंट ए को क्लिक करते हैं तो काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल। सो हर वो सेल जो कि फिल हुआ हुआ है किसी भी चीज से, चाहे वो नंबर है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो कोई स्पेस है, चाहे कोई स्पेशल करेक्टर है, उन सबको ये काउंट करेगा, एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करता। जैसे मैंने एंटर किया तो ये कह रहा है 47 सेल्स, क्योंकि 45 तो न्यूमेरिक है
और ये दो अलग अलग हमारे पास हेडिंग के सेल्स हैं, दैट्स व्हाई 47 हो गए। प्लीज ट्राई करें अपनी स्क्रीन पे एंड कम बैक टू मी। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द सेशन अगेन। सो हम जो है वो इसकी नेक्स्ट शीट पे मौजूद, नेक्स्ट शीट पे मूव हो रहे हैं और यहाँ पर हम एक और चीज देख रहे हैं जो कि बड़ी जबरदस्त काम की चीज है हमारी। सो फॉर्मेट पेंटर आप में से काफी सारे लोग हैं जिनको यूज करने ऑलरेडी आता होगा, लेकिन इसके अंदर हम एक टेक्निक सीख रहे हैं। सो फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो है यहाँ पर हमने कलर किया और फॉन्ट कलर किया। अब यही कलर अगर मैं किसी और सेल पे जो है वो अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं। सो हमने क्या करा, सिंपल इस सेल को क्लिक किया हुआ है, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया और सेकेंड सेल जहां पर अप्लाई करना है वहां पर अप्लाई कर दिया। अब ये काफी सारे लोगों को ऑलरेडी आता है, अगर किसी को नहीं आता तो किसी को ट्राई करें, लेट्स हैव 10 सेकंड फॉर देम। ये नहीं आता है तो एक बार आप ट्राई कर लें, फिर इसमें एक नई टेक्निक हम सीखते हैं। राइट, सो आई होप जिन्होंने ट्राई करना था वो कर लिया है। प्लीज कम बैक टू माई स्क्रीन। सो अब यही कलर जो है मुझे 10 सेल्स पे अप्लाई करना है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये इस एक्टिविटी को किया होगा लेकिन डिफरेंट तरीके से किया होगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर अप्लाई किया, जैसे मैं यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर लेता हूँ और दूसरी जगह पर अप्लाई करता हूँ, तो ये फॉर्मेट प्रिंटर हट जाता है। और अगर आपको इसी तरह से 50 सेल पर अप्लाई करना है, 100 सेल पर अप्लाई करना है, तो ये एक्टिविटी बार बार यूं चलती है। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, देन ऊपर गए, देन आपने क्लिक किया। तो कुछ लोग आप में से ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने ये पेन सहा होगा। अब उसका हल मैं बताता हूँ। तो नॉर्मली जब आप यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर क्लिक करने जाते हो तो यहाँ पर इसको सिंगल क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर उसको आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं तो अब ये फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम चलना शुरू हो गया। देखें राइट, जब तक आप उसको दोबारा से क्लिक नहीं करेंगे ये स्टॉप नहीं होता। ट्राई करें प्लीज अपने पास, और अगर आपने ये पेन सहा है तो अपने दुख भी शेयर करें हमारे साथ, और आज ये ऑप्शन सीख गए तो अपनी एक्साइटमेंट भी शेयर करें। राइट, सो अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारे एक पेन हमारा हल हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और बॉस आते हैं और कहते हैं कि ये जरा 3-4 सेल्स है ना, इनके जरा सम करके दिखा दो मुझे। तो आप क्या करते हैं, वहीं पर फॉर्मूला लगाते हैं बराबर में, कहीं इक्वल्स टू दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल, और जैसे आप एंटर किया यहाँ पर इसका सम आ गया, बॉस से सम देख लिया और वो चले गए। राइट, सो सिर्फ आपने उनको एक सम दिखाने के लिए, एक कैलकुलेशन दिखाने के लिए यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाया, इतनी मेहनत करी, हालांकि उनको सिर्फ देखना था। अब ये सम किसी काम का नहीं है आपके। अगर सिर्फ देखना ही था तो हमारे पास एक और तरीका होता है जिससे आप ये सम दिखा सकते हैं। लेट मी रिपीट जो मैंने कहा। सो नॉर्मली ऐसा होता है कि आप इसी तरह से, ये जैसे हमने कर लिया, इसी तरह से आप जो है वो एक शीट पे काम कर रहे थे और बॉस आते हैं और कहते हैं कि जरा ये 2-3 सेल हैं जिसको आपको यहाँ पर सम करके दिखा रहे हैं, ठीक है, सम करके दे दो मुझे। सो नॉर्मली आप क्या करते हैं, इक्वल्स टू दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल। तो ये आपने उनको सम करके दिखाया और बॉस ने सम देखा और वो चले गए। अब ये सम सिर्फ उनको दिखाने के लिए आपने यहाँ पर सम का फंक्शन लगाया, और ये सम का फंक्शन आपके किसी काम का नहीं। अगर सिर्फ उनको दिखाना ही था तो हम इस तरह से भी कर सकते थे कि आपने क्लिक किया, कंट्रोल होल्ड करके रखें, दूसरा सेल तीसरा सेल, इन्हीं 3 सेल को सेलेक्ट कर लिया और इसका सम आपके पास देखें नीचे दिखाई दे रहा है। सिर्फ बॉस को अगर दिखाना था, पर्पस इज जस्ट टू शो। लेकिन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको देखिएगा आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, सम, काउंट एंड एवरेज। अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से मजीद ऑप्शन पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक साथ सिखा रहा हूँ, फिर आप जाके अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया, ये आपके पास सम, काउंट एंड एवरेज आ गया। आपने किसी भी एक नंबर पे अपना माउस ले गए और राइट क्लिक कर दिया, यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल काउंट, मिनिमम और मैक्सिमम जो है ना, इस तरह से अनचेक्ड हुए होंगे। आपके पास ये आ रहे होंगे, देखिए 3 ऑप्शन, ठीक है। तो जो अनचेक्ड हुए हैं इसको सिंपल आपको चेक करना है। राइट, तो ये सारे ऑप्शन, 6 के 6 ऑप्शन आपको देखना शुरू हो जाएंगे, और इन फ्यूचर जब भी आप कोई फाइल ओपन करेंगे सब में ये 6 ऑप्शन आ रहे होंगे। लाइक मैंने अगर ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए तो आपको देखिए ये पूरा समरी आपको बना के दे रहा है कि टोटल समरी ये है, मैक्सिमम नंबर ये है, मिनिमम नंबर ये है, टोटल आपने 66 सेलेक्ट किए हुए सेल,
इसमें से 48 सेल आपके न्यूमेरिक सेल्स हैं और दिस इज द एवरेज। ट्राई करके देखिए 30 अपने पास। तो अब कभी भी आपको समरी चाहिए, अक्सर बॉस आ जाते हैं, बोलते हैं कि बताओ कितने नंबर्स आ गए, क्या टोटल हो गया आप तक का, तो आपने सेलेक्ट करके बता दिया बॉस ये टोटल हो गया, ठीक है, आपको फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा कितने नंबर ऑफ सेल्स हो गए, यानी कितनी ट्रांजेक्शन हो गई, तो आपने जैसे ही सेलेक्ट किया ट्रांजेक्शन कितनी हो गई, न्यूमेरिकल सेल आपने बता दिए 12 ट्रांजेक्शन है, राइट। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें जो है आप बता सकते हैं। अच्छा सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ गया, सबसे बड़ी सेल क्या हुई, तो सबसे बड़ा नंबर ये आ गया आपके पास। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो नॉर्मली आपसे जनरली पूछे जाते हैं, ये जो आपके पास स्टैटिक्स बार है ये आपकी जो है उसको आंसर कर देती है। नेक्स्ट शीट पे मूव हो जाते हैं। यहां पर हम एक शॉर्टकट सीख रहे हैं जो कि है F4 का शॉर्टकट। और इसका काम क्या होता है, रिपीट करता है लास्ट सेक्शन को जो भी आपने सेल पे परफॉर्म किया होगा, रिपीट लास्ट सेक्शन। सो फॉर इंस्टेंस मैंने किया ये कि मैं यहाँ पर रेड कलर कर रहा हूँ टेक्स्ट का, और जो हाईलाइट कलर है वो येलो कर रहा हूँ फिल कलर। तो मेरा लास्ट सेक्शन क्या है, फिल कलर। तो अगर मैं किसी भी सेल पर क्लिक करता हूँ और F4 प्रेस करता हूँ, देखिए ये लास्ट सेक्शन को रिपीट कर रहा है। तो वट एवर इज योर लास्ट सेक्शन वो उसको रिपीट करेगा। अगर मैं लास्ट सेक्शन अपना चेंज करता हूँ और मैं बोलता हूँ भाई फॉन्ट हमारा इंक्रीज हो गया 14 पे, दिस इज योर लास्ट सेक्शन, अब मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो ये 14 कर देगा उसको, ठीक। तो लास्ट सेक्शन को रिपीट करने के लिए F4 जो ऊपर आपके पास फंक्शन की हुई है वो हमारे पास होती है। ट्राई करें प्लीज एंड कम बैक। जो भी लास्ट सेक्शन अपने सेल पे आप परफॉर्म करते हैं, लाइक मैंने अपना लास्ट सेक्शन परफॉर्म किया राइटिंग स्टाइल चेंज करने का ये वाली, ठीक है, और अब मैं जहां पर भी क्लिक करता हूँ और F4 प्रेस करता हूँ तो ये उसी लास्ट सेक्शन को रिपीट करता है। अगर जो जो आप में से लैपटॉप यूज कर रहे हैं और उनके पास डायरेक्टली F4 नहीं चलता है तो आपको FN F4 चलाना पड़ेगा। FN की होती है आपके पास नीचे कंट्रोल, FN के साथ आपको प्लस करके F4 प्रेस करेंगे तो वो वर्कआउट करेगा सेम तरीके से, राइट। अब देखिए हमारे पास F4 इज अ शॉर्ट की, लेकिन उसको कितना स्मार्टली आप यूज करते हो डिपेंड करता है वो आपके ऊपर। लाइक यहां पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं F4 की। सो मुझे जो है यहां पर डिफरेंट जगहों से डिफरेंट रॉस को डिलीट करना है, ठीक है। अब नॉर्मली हम रॉस को कैसे डिलीट करते हैं, इस तरह से राइट क्लिक करके, राइट क्लिक डिलीट। अगर आप इस तरह से राइट क्लिक करके डिलीट करते हो और आप समझते हो कि ये F4 पे आ जाएगा, तो ये F4 पे नहीं आएगा, क्योंकि जब आप पूरी पूरी कॉलम पूरी रॉ सेलेक्ट करते हैं तो ये आपने एक कॉलम एक रॉ सेलेक्ट नहीं की हुई है, ये बेसिकली आपने 16,000 कॉलम सेलेक्ट किए हुए, 16,000 सेल सेलेक्ट किए हुए, राइट। तो आपको जब डिलीट का ऑप्शन आपको लेकर आना है लास्ट सेक्शन पे, तो आप राइट क्लिक करते हैं और डिलीट का बटन दबाते हैं इस सेल के ऊपर, किसी भी सेल पे आप राइट क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे और यहां पर ऑप्शन आपके पास आएगा इंटायर रॉ। अब आपका लास्ट सेक्शन क्या हो गया, इंटायर रॉ को डिलीट करना। अब आप जहां पर भी क्लिक करके F4 दबाएंगे, लेकिन ये रॉ डिलीट हो रही है, ये रॉ डिलीट हो गई, जहां पर भी आप जाते हैं F4 दबाते हैं वो रॉ डिलीट हो जाती है। तो ये ऑप्शन है F4 का, उसको जितना स्मार्टली आप यूज करेंगे उतना ज्यादा बेहतर तरीके से, ठीक है, ट्राई करें। ये डिलीट वाला ऑप्शन, इंसर्ट वाला ऑप्शन, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, लंबे हैं तरीके, तो उसको आप इस तरह से कर सकते हैं, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शीट। हमारे पास जो है वो ऑटोफिट। ऑटोफिट अगेन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सबको आता है, लेकिन इसमें हम एक नई चीज सीखेंगे अगेन। सो हमारे पास ई कॉलम क्योंकि बहुत बड़ा हुआ हुआ है, डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटोफिट हो जाता है, ये हम सबको आता है, ठीक है। इसी तरह से अगर ये सारे कॉलम्स को एक साथ ऑटोफिट करना है तो हम ए बी सी डी ई सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और किसी भी एक पर डबल क्लिक करेंगे तो सारे एक साथ ऑटोफिट हो जाएंगे। ट्राई करके देखें प्लीज, अगर किसी को नहीं आता ये तो। लेट्स हैव 5 seconds फॉर दिस, 10 seconds फॉर दिस एंड आई विल स्टार्ट अगेन। सो ठीक है, हमारे एक पेनफुल एरिया है छोटा सा। तो होता यह है कि आप यहाँ पर दो कॉलम्स को हाइड करके रखते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने बी और सी को हाइड कर दिया फॉर एनी गुड रीजन, ये मेरे हेल्पर कॉलम हो सकते हैं, ये मुझे नहीं दिखाने रिपोर्ट के अंदर, तो मैंने हाइड करके रख दिया, ठीक है। और अब जो कॉलम्स मेरे पास रहते हैं मैं उसको ऑटोफिट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ए डी और ई को ऑटोफिट करना चाहता हूँ, तो मैंने ए से लेकर ई तक सब सेलेक्ट कर लिया, राइट। और इस दफा जब मैं डबल क्लिक करता हूं तो नॉर्मली मेरी डिजायर क्या थी, जो दिख रहा है यानी ए डी और ई वो ऑटोफिट हो जाए,
लेकिन जैसे ही मैंने ऑटोफिट किया तो वो ऑटोफिट तो हो गए, लेकिन दो जो कॉलम मैंने हाइड किए थे वो भी बाहर आ गए। और ये एक बड़ा नॉर्मल सा सिनेरियो है जो कि हमारे सामने आता है, और हम ये चाहते हैं, हमारा डिजायर ये होता है कि जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ऑटोफिट करता हूँ, तो जो कॉलम्स हमारे पास हिडन है वो बाहर नहीं आने चाहिए, ठीक है, सिर्फ जो दिख रहा है वही ऑटोफिट हो। उसके लिए हम यहाँ पर एक तरीका सीख रहे हैं, एंड द तरीका इज वेरी सिंपल, ऑल्टर सेमी कॉलम, ऑल्टर सेमी कॉलम। सेमी कॉलम कहां पर होता है? एल के नेक्स्ट बटन पर, और ये शॉर्टकट है सेलेक्ट विजिबल यस सेलेक्ट विजिबल सेल्स ओनली का, ठीक है, दिस इज शॉर्टकट फॉर सेलेक्ट विजिबल सेल्स ओनली। और बहुत ही सिंपल तरीके से हम अप्लाई करेंगे। देखिए पहले दो स्टेप थे, सेलेक्ट कर रहे थे हम और डबल क्लिक कर रहे थे, अब तीन स्टेप हो जाएंगे। तो मैंने पहले सेलेक्ट किया और देन ये शॉर्टकट प्रेस किया ऑल सेमी कॉलन। अच्छा, इससे हुआ क्या? वो ये कि जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ए डी ई को, तो इसने सेलेक्ट किया हुआ है जो दिख रहे हैं उसको भी, जो नहीं दिख रहा है उसको भी, राइट, जो हिडन कॉलम से उसको भी साथ में सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैं चाहता हूं जो सामने दिख रहा है उसको सेलेक्ट कर ले और जो पीछे छुपे हुए उसको डी सेलेक्ट कर लिया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर सेमी कॉलन, जो कि करेगा सेलेक्ट विजिबल सेल्स ओनली। ये मैंने किया ऑल्टर सेमी कॉलन। देखिए यहां पर एक अलग सा आपको ऑप्शन भी नजर आया। अब जब मैं डबल क्लिक करूंगा, क्योंकि सेलेक्टेड ही सामने फ्रंट वाले हैं और पीछे वाले डी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो वो आपके पास बाहर नहीं आएंगे और ऑटोफिट भी नहीं होंगे। ट्राई करके देखें प्लीज। लेट्स मूव फॉरवर्ड, एक और ऑप्शन करते हैं इसी के अंदर। इस दफा मैं ए डी और ई से सेलेक्ट नहीं कर रहा, राइट, इस दफा मैं कस्टमर से सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करें कस्टमर क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर को, और जब मैं कॉपी करता हूं, अक्सर आपसे ऐसा होता है कि जब आपने डेटा को फिल्टर किया हुआ होता है, जैसे अभी यहां पर मैंने हिडन किया हुआ है, राइट, इस तरह से डेटा को फिल्टर आपने किया होता है, और आप चाहते ही हैं कि जब मैं कॉपी पेस्ट करूं तो जो डेटा दिख रहा है वही कॉपी पेस्ट होना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो सारा डेटा लेके आ जाता है, और फिर नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक एक कॉलम को या जहां फिल्टर हुआ है उसको सेलेक्ट करके अलग से कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके करते हैं, वहां पर भी आपको ये शॉर्टकट काम आएगा, ठीक है। अभी देखते देखे मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ तो वो सारा डेटा दे देगा, क्वार्टर वन टू थ्री फोर सब दे रहा है, जो कि मैं नहीं चाह रहा था इस तरह से हो। तो अगेन इसमें कितने स्टेप्स थे कि मैंने पहले सेलेक्ट किया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तीन स्टेप्स थे, अब आपके पास चार स्टेप्स हो गए, राइट। आपने देखिए सेलेक्ट किया पहला स्टेप, अभी इसने क्या करा है, जो दिख रहा है वो भी सिलेक्टेड है, जो नहीं दिख रहा है वो भी सिलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर ये शॉर्ट की प्रेस करता हूँ सेकेंड स्टेप में, और सेमी कॉलन, थर्ड स्टेप कॉपी किया, फोर्थ स्टेप पेस्ट कर दिया, डन। तो जो जो नजर आ रहा है वो ही कॉपी पेस्ट हुआ। ट्राई करके देखें, ये वो जिंदगी के हमारे छोटे छोटे मसले हैं जो कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत टाइम वेस्ट करते हैं हमारा। और क्योंकि मैं पिछले 15 साल से प्रोफेशनल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहा हूँ इसी तरह से ट्रेनिंग देते हुए, तो मुझे पता है आपके पेन पॉइंट, तो उसी हिसाब से जो हमारा पूरा, राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हम बढ़ते हैं बॉर्डर्स, हम सबको मेरे ख्याल से लगाना आते हैं, मैं बॉर्डर्स टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आगे बढ़ते हैं हम डेटा टाइप की तरफ जाते हैं। ये अगेन हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पेनफुल एरिया है, और ये है हमारा डेट का एरिया, डी एम वाई एम डी वाई है मसला, ये पेनफुल एरिया ना हमारा सबसे बड़ा, और ये पेन सबके साथ है, ठीक है। एक्सेल हम जो है वो ट्रेन हुए हुए हैं DMY पर, और एक्सेल समझता है MDY, और हमेशा जंग चलती रहती है। काफी सारे लोग जो हमें डेटा फिल करके बेचते हैं वो DMY में बेचते हैं, और फिर उसको MDY में कन्वर्ट करने का एक नया चैलेंज शुरू हो जाता है ताकि मैं डेट पर रिपोर्टिंग कर सकूं, राइट। ये मसला हम सबके साथ है, यस नो, हमारे साथ खुद के साथ भी ये मसला है कि हमें डेट को रीड करने में मसला होता है। अगर अमेरिकन डेट मुझे लिखनी पड़ जाए MDY के अंदर तो बड़ा लिखने में बड़ी तकलीफ होती है। फॉर इंस्टेंस एक डेट मेरे पास है 2nd May 2023। अब इज दिस रियली 2nd May और समथिंग एल्स? एक्सेल इस डेट को किस तरह से रीड आउट कर रहा है? एक्सेल पढ़ रहा है MDY, यानी पहले फरवरी है, फिर 5th है, और फिर 2023, यानी दिस इज व्हाट, फरवरी 5th और फरवरी 5th, यू कैन से इन द राइट प्रोनाउंसिएशन, राइट। सो हमारे पास, लेकिन मैंने तो यहाँ पर 2nd May लिखा हुआ है, एंड आई वॉन्ट 2nd May,
नॉट फॉर फेब्रुअरी, राइट। तो इस तरह की बहुत सारा डेटा, बहुत सारी डेट्स आपके पास आती हैं जो कि आपके पास होती हैं DMY के फॉर्मेट में, और आप ये चाहते हैं कि आप उसको कन्वर्ट कर दें MDY के फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम के अंदर डेट का फॉर्मेट, रीजनल फॉर्मेट किस तरह से रखा हुआ है, DMY है या MDY है, कैसे पता चलेगा। वेरी सिंपल, ये जो आपके पास नीचे क्लॉक आ रही है इसमें देखिए पहले आपके पास 8 आ रहा है या 15 आ रहा है। तो अगर जिनके पास 8 पहले आ रहा है और 15 बाद में आ रहा है उनके पास MDY का फॉर्मेट है, और जिनके पास 15 8 आ रहा है उनके पास DMY का फॉर्मेट है, रीजनल सेटिंग जो आपकी है, यानी आपके सिस्टम की सेटिंग जो है वो MDY पे है या DMY पर है। तो कोई ऐसा है जिसकी DMY पर है, 15 पहले आ रहा हो और 8 बाद में आ रहा हो, ऑफकोर्स जब दूसरा फॉर्मेट आता है तो बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, तो आपके पास तो जिंदगी आसान है क्योंकि आपने DMY रखा हुआ है और पाकिस्तान में DMY चल रहा होता है, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगर हमारे पास MDY का फॉर्मेट है तो उसको DMY में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, या अगर DMY का फॉर्मेट है जिनके पास DMY का जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है, MDY के फॉर्मेट को DMY में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या कोई भी डिफरेंट फॉर्मेट हमारे पास आ जाता है जिसको हमें चेंज करना है दूसरे फॉर्मेट में, तो किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, देखें एंड रिजल्ट जो आएगा वो आपके पास आपकी रीजनल सेटिंग में आएगा। ठीक है, एंड रिजल्ट का मतलब जब उसका तरीका हम सीखेंगे तो जब फिनिश हम करेंगे उस तरीके को तो एंड रिजल्ट हमेशा आपकी रीजनल सेटिंग में आएगा। अगर आपकी रीजनल सेटिंग MDY के अंदर है तो आपका एंड रिजल्ट MDY में आएगा, अगर रीजनल सेटिंग आपकी DMY के अंदर है तो आपके पास एंड रिजल्ट DMY में आएगा। ठीक है, तो अभी हम MDY को DMY में कन्वर्ट, DMY को MDY में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। तो जिनके पास ऑलरेडी DMY है उनको कोई भी रिजल्ट में चेंजेस नजर नहीं आएंगी, ठीक है, सेम रिजल्ट रहेगा आपके पास। तो मैं आपको फिर एक और तरीका बताऊंगा जिससे आपको चेंजेस नजर आएंगी कि किस तरह से हो सकता है, राइट है। तो आप क्या करें कि यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर जाएं और कोई भी अपनी पसंद की 3 डेट्स लिख लें, जैसे मैंने सेकंड में लिखी हुई है, इस तरह से मैं लिखता हूँ 13 December 2023, एशियन फॉर्मेट में लिखिएगा यानी DMY फॉर्मेट में लिखिएगा। मैंने लिखा 2 November 2023, जो भी 3 डेट आपको सही लगती है वो आप लिख लें एंड प्लीज कम बैक टू मी। सो अब हम इस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं जिससे हमारी सारी DMY डेट्स MDY में कन्वर्ट हो जाएंगी, राइट। सो हमने इन सारी डेट्स को सिलेक्ट किया, अगर ये प्रोसेस सही होता है तो हमारे पास जो सेंट्रलाइज डेट है वो लेफ्ट पे आ जाएंगी, तो लेफ्ट पे डेट्स है वो सेंटर में आ जाएंगी, यानी सेंटर में मंथ है वो लेफ्ट पे चले जाएंगे और जो डेट है वो सेंटर में आ जाएगी, MDY में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। क्योंकि मेरे पास जो रीजनल सेटिंग है वो MDY की है, तो हमने DMY को MDY में कन्वर्ट करते हैं। सो इन सारी डेट्स को हमने सेलेक्ट किया और हम क्लिक करते हैं डेटा टैब पर। अच्छा, जब भी मैं आपको रिबन से कोई चीज इंस्ट्रक्शन दूंगा तो मैं इस तरह से दूंगा कि पहले मैं डेटा टैब पर क्लिक करूंगा और फिर उसके बाद जो उसका ग्रुप नेम है उसका नाम पहले लूंगा। फिर जैसे ग्रुप का नाम क्या है, गाइड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, डेटा टाइप्स, सॉर्ट एंड फिल्टर्स, डेटा टूल्स। तो आपको डेटा टैब पे क्लिक करना है और डेटा टूल्स का आपके पास एक ग्रुप बना हुआ है, इसमें टेक्स्ट टू कॉलम का एक फीचर आपके पास मौजूद है जिसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 बार नेक्स्ट प्रेस करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये स्क्रीन आपके पास आ गई। पहले आप अपनी स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे आ जाएं और देन हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो अब हम चाह ही रहे हैं कि जब हमारा फिनिश होता है तो ये जो DMY की डेट्स हैं वो MDY में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्क्रीन पे हमें इसको ये बताना पड़ेगा कि जो सिलेक्टेड डेट्स हैं ये किस फॉर्मेट में अवेलेबल है, किस फॉर्मेट में लिखी हुई है ये। यहाँ पर हम उसको बताते हैं कि ये जो फॉर्मेट है वो DMY का फॉर्मेट है और जब मैं फिनिश करूंगा तो ये मेरी रीजनल सेटिंग में लेकर आएगा, यानी MDY में लेकर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर MDY DMY सेलेक्ट किया कि ये डेट्स जो है वो DMY में सिलेक्टेड है, DMY में अवेलेबल है करंटली, और फिनिश करने पे ये कन्वर्ट हो जाएंगी MDY के अंदर। देखिए, अब सेंटर जो है वो लेफ्ट पे चला जाएगा, लेफ्ट सेंटर में चला जाएगा, फिनिश एंड डन, सारी डेट्स 1 को के अंदर आपकी MDY में कन्वर्ट हो गई। ट्राई करें अपनी स्क्रीन पे एंड कम बैक टू मी। तो काफी सारे लोग हम में से ये होते हैं कि जिनको ये तरीके नहीं पता होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैन्युअली इन डेट्स को सही करते हैं। एंड यू कैन इमेजिन जब आप मैन्युअली डेट्स को सही करोगे तो आपके टाइम कितना वेस्ट होता है। एंड दिस इज द गोल्डन वे, दिस इज द बिल्कुल इजी वे जिससे आप बिल्कुल डेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इजी तरीके से।
राइट सो हमारे पास, हमने जो है वो डीएमवाई को एमडीवाई में कन्वर्ट करना सीखा। एक एग्जांपल उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी डीएमवाई था, ठीक है। तो कभी कभी कुछ लोगों के पास ऐसा होता है सैप यूज हो रहा होता है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिसकी इंडस्ट्री में, जिनकी कंपनीज में सैप यूज हो रहा होगा। जब आप सैप से डेटा निकालते हो तो डेट कुछ इस तरह से आती है, लाइक 2023, जैसे मैं आज की डेट डाल रहा हूँ, अगस्त 15, दिस इज अ डेट फॉर्मेट, ठीक है, जो कि सैप आपको देता है। और इस तरह की बहुत सारी डेट्स आपके पास हैं, आप ना इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, ना ये डीएमवाई है या कुछ है, ये वाईएमडी है, ठीक है। पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर आपके पास डेट दी है। तो सेम तरीका, कोई भी चेंजेस नहीं है। आपने डेटा पे क्लिक किया, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करते हैं आप, अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट, यहां पर आप इसको बताओगे कौन सा डेट फॉर्मेट है ये वाला, ये हमारे पास है वाईएमडी। और जैसे आप फिनिश करते हैं तो जो भी आपकी रीजनल फॉर्मेटिंग होगी, चाहे वो एमडीवाई में है तो एमडीवाई में आ जाएगा, डीएमवाई तो डीएमवाई में आ जाएगा। फिनिश किया और देखिए डेट सही हो गई, क्योंकि मेरे पास एमडीवाई है तो मेरे पास एमडीवाई में आ रहा है। राइट, ट्राई करें ये वाली डेट के साथ भी प्लीज। सो अभी हमने जो है वो डेट को चेंज करना सीखा, लेकिन हमारा जो अपना मसला है वो अभी तक यहाँ अटका हुआ है। अगर मैं ये खुद डेट लिखने बैठता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, जब मैं MDY की डेट लिखने बैठता हूँ या कोई भी डेट लिखने बैठता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। प्लस एक और तकलीफ जो मेरे साथ है वो ये है कि मुझे डेट को रीड करने में बड़ी तकलीफ है। अगर मैं इन डेट्स को रीड करने बैठता हूँ, अगस्त 15, 23, बहुत तकलीफ होती है मुझे पढ़ने, क्योंकि हमारे पास ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है हमारे दिमाग में। हमारी प्रोग्रामिंग किस तरह से हुई हुई है कि हम पहले जो है वो डेट पढ़ते हैं, फिर महीना पढ़ते हैं, और फिर हम जो है वो बेसिकली ईयर को पढ़ रहे होते हैं, जो है वो आगे पढ़ते हैं। और डेट हमारे जो अपना डेट का मसला है जिसमें डेट में बड़े एरर्स आते हैं जब लिखना पड़ती है डेट्स, राइट। तो हम यहाँ पर एक तरीका सीख रहे हैं, इसमें एक सबसे अच्छी बात यह कि डेट को लिखना आसान हो जाएगा, डेट को पढ़ना आसान हो जाएगा। दूसरी चीज, आपका ये टेंशन खत्म हो जाए कि आपके पास डीएमवाई है, एमडीवाई है, वो जो भी फॉर्मेट आपके पास होगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, राइट। तो जैसे मैं आज की डेट डालना चाह रहा हूँ, विच इज 15 अगस्त 23, तो मैंने कहा 15 अगस्त 23, ये लिखने में मेरे ख्याल से मसला नहीं है, बगैर स्पेस के लिखना है। जैसे मैंने एंटर किया, ऑटोमेटिकली इसने एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दी जिसको रीड करना बड़ा आसान है। और एक और खूबसूरत बात की हुई कि इसने बैकग्राउंड में जो भी आपका रीजनल फॉर्मेट होगा वो खुद ले लिया से। अगर आपके पास एमडीवाई है तो उसने एमडीवाई ले लिया, अगर डीएमवाई तो डीएमवाई ले लिया। ट्राई करके देखें प्लीज। जैसे मैंने लिखा 13 दिसंबर 23, एंटर किया, इसने खुद दे लिया, पीछे देख दिसंबर 13 है। ट्राई करें, ये फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपकी डेट के साथ मिस्टेक्स नहीं होंगी। और अगर कुछ लोग जो है आपको ये फाइल्स भेजते हैं डेट्स वाली, तो आप उनको ये तरीका सिखा दें, एक चॉकलेट क्लाइंट को डेरी मिल्क वाली, और इनके तरीका सिखा दें, ताकि आपके पास उनकी जिंदगी तो आसान होगी, लेकिन जब डेट्स आपके पास आ रही हो तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी।